पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन रजा नकवी पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि वो हर हाल में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अपने देश में करवाना चाहते हैं। अगले साल बड़े टूर्नामेंट के कारण फिलहाल देश के तीन बड़े मैदानों का नवीनीकरण चल रहा है। ठीक इसी वजह से बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी को गुस्सा आ गया है। उनके गुस्से का कारण यह है कि मैदानों में चल रहे निर्माण कार्य के कारण पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के वेन्यू को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम कुछ ही सप्ताह बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली है। दोनों देशों के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 7 अक्टूबर से शुरू होगी। शेड्यूल के अनुसार ये तीन मैच मुल्तान, कराची और रावलपिंडी में होने हैं, लेकिन समय रहते मैदानों के तैयार हालत में पहुंचने की उम्मीद बहुत कम है। यही कारण है कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी गुस्से में हैं। पीटीआई के हवाले से एक सूत्र ने बताया कि मोहसिन नकवी ने स्पष्ट कर दिया है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को दूसरी जगह करवाने से पीसीबी की छवि खराब होगी। उनका कहना है कि रावलपिंडी और कराची में जरूर इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैच करवाए जाने चाहिए। हाल ही में बताया गया कि पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड सीरीज को दक्षिण अफ्रीका, यूएई या श्रीलंका में करवाया जा सकता है, लेकिन पीसीबी चीफ हर हाल में सीरीज का आयोजन पाकिस्तान में ही चाहते हैं। सूत्र ने यह भी बताया कि चेयरमैन के गुस्से का एक कारण यह भी है कि सीरीज के स्केड्यूल के संबंध में जितनी देरी होगी उससे उतना अधिक रेवेन्यू में बोर्ड को घाटा झेलना पड़ेगा। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पाकिस्तान के स्टेडियमों की हालात को देखकर काफी गुस्से में हैं। अगर स्टेडियम्स के हालात सही नहीं होते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबानी को भी लेकर पाकिस्तान के ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं। स्टेडियम तैयार नहीं है तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कैसे मिल जाएगी? अब इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।